हेलो गाइस गाइस मैं समीर आ गया हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि वीडियो चालू करने से पहले बता दूँ, ये हमको बहुत ही गर्व होना चाहिए। हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हो चुका है फाइनली। चंद्रयान हम इंडिया ने अपना दूसरा कदम बढ़ा दिया है चांद की तरफ। तो गाइस इस वीडियो में आपको चंद्रयान के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताने वाला हूं, जो कि हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ उसके बारे में चीज़ें बताने वाला हूं। तो अभी बता दूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो जो भी कुछ आपको क्यूरी हो। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया ने अपना दूसरा कदम बढ़ा चुके हैं चंद्रयान की तरफ, जो कि बहुत हमें प्राउड होना चाहिए कि इंडिया 4th नंबर का कंट्री बन जाएगा अगर ये चंद्रयान सफल हो जाता है। ऐसे तो सफल होगी हमारी लैंडिंग, 4th नंबर का कंट्री बन जाता जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है चांद के ऊपर, मतलब मून के ऊपर अपनी। और इसकी एक और चीज़ बता दो, लॉन्च तो 15 जुलाई को होने वाला था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, तो उस कारण से ये 22 जुलाई को लॉन्च हुआ है, मतलब मंडे के दिन हमारा जो लॉन्च हुआ है। और एक और चीज़ बताऊँ इसके बारे में मैं आपको, आप सभी को बता दूँ, इस रॉकेट की जो वैल्यू है वो 978 करोड़ रुपीज़ है, मतलब जो कि पूरी लागत है, मतलब एक तरीके से 1000 करोड़ ही समझ लो। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, इंडिया ने खुद ने सब कुछ करा इसके अंदर, किसी से कुछ बाहर से नहीं लिया, इंडिया ने खुद ने कुछ करा। तो बहुत हमारे लिए बहुत गर्व की चीज़ होनी चाहिए कि इंडिया ने सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करी उस रॉकेट की, और उसका नाम भी बाहुबली रखा है। तो आप समझ सकते हो बाहुबली रॉकेट का नाम ही है, तो रॉकेट भी दमदार होना चाहिए। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये हमारा पहला रॉकेट है जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, मतलब इसका रोवर खुलते से धीरे धीरे लैंड करेगा। और जो रोवर है उसका नाम विक्रम रखा गया है। विक्रम एक अपने इसरो के बहुत पहले के प्रोफेसर रह चुके हैं बहुत अच्छे, इसलिए उस रोवर का नाम विक्रम रखा गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और एक चीज़ ये भी थी कि रॉकेट को बनने में 15 साल लगे इस रॉकेट को, जो ये रॉकेट है ना इसको 15 ईयर से मतलब ये बन रहा था। और ये आपको एक और चीज़ बताऊँगा, ये लैंड हमारा अर्ली सितंबर तक लैंड होगा मून पे। अभी लैंड एकदम से नहीं होगा, अर्ली सितंबर तक लैंड होगा मून पे। तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़, जल्दी से सफल लैंडिंग हो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, 4th नंबर का कंट्री बनेगा हमारा इंडिया। तो गाइस यही था आज के वीडियो में, आपको यही बता रहा था थोड़ी चंद्रयान 2 के बारे में, जो कि मेरी लॉन्चिंग थी, थोड़ी बेसिक डिटेल्स बतानी, थोड़ी जानकारी बतानी थी। और आपकी क्या राय है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपको अच्छा लगे तो भी लाइक कर देना, बुरा लगे तो सजेस्ट करना कि वीडियो कैसा बनना चाहिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।